हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अंशुल विश्वकर्मा, BMS फर्स्ट ईयर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक BMS छात्र का डेली का लाइफ स्टाइल क्या होता है और आप लोग कैसे वहाँ पे जाके क्लास ज्वाइन करेंगे, आप लोग का टाइमिंग क्या है। चलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, क्लास के लिए निकल गए हैं। क्लास में निकलने से पहले अगर आप लोग हॉस्टल लिए होंगे तो आप लोग को हॉस्टल में जाके 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसको लेना होता है। इसलिए हम लोग हॉस्टल से निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी, हम लोग साथ में निकल रहे हैं। उसके बाद जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे क्लास करेंगे। यहाँ क्लास बड़ा है बोरिंग होता है। सुबह 8 बजे हम लोग को तैयार होकर पहुँच जाना है। उसके बाद तैयार होकर खाना वाना खा के 9 बजे से क्लास होता है। उसके बाद लगातार 9 से 12, 1 तक क्लास चलता है। फिर 1 से 2 हम लोग का लंच होता है। यहाँ पर हम लोग मेस पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हल्का नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग कॉलेज के लिए निकल लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद कॉलेज के लिए हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे कॉलेज में हम लोग को रास्ते में, यहाँ पे हम लोग का फार्मेसी कॉलेज है। यहाँ पे B.Pharma D.Pharma की पढ़ाई होती है और बगल में यहाँ पे सर्वदेव मंदिर है। यहाँ पे सर्वदेव मंदिर में सर्व देवता, सभी देवताओं का इसमें मूर्ति है। यहाँ पर मेनली शिव जी का है, उसके बाद आप लोग का लक्ष्मी जी जैसे भी सभी देवता हैं, सब लोग का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर पे हम लोग दर्शन करते हुए आगे अपने कॉलेज की तरफ बढ़े। तो कॉलेज में जाने से पहले हम लोग चाहे सीधे एंट्री ले सकते हैं या फिर बगल में हम लोग का नर्सिंग जो है, नर्सिंग वाला जो स्कूल है उससे जाएंगे। इसलिए हम लोग मंदिर में दर्शन तो कर ही लिए हैं। उसके बाद हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए और यहाँ पर फार्मेसी वाले गेट से हम लोग कॉलेज की तरफ एंट्री, अपने दोस्त लोगों के साथ हम लोग कॉलेज की तरफ बढ़े और कॉलेज में अंदर एंट्री किए। हमारा जो कॉलेज है सर्वदेव कॉलेज है आजमगढ़ में। यहाँ पे आप लोग को B.Pharma D.Pharma नर्सिंग BTS बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ पे BMS का इस बार से नया बैच चालू हुआ है। इसलिए हम लोग BMS में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का कॉलेज 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अभी मेरा फर्स्ट डे है। कुछ बच्चे पहले से ही आए थे। यहाँ पर हम लोग इमरजेंसी वार्ड से अंदर एंट्री कर रहे हैं और कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलेज में मेरे दोस्त लोग आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लेक्चर हॉल की तरफ जाएंगे। इसमें आप लोग का सुबह 9 बजे से क्लास चालू होगा। उसमें आप लोग का 1-1 घंटे का लगातार ये क्लास चलेगा 1 तक। फिर 1 से 2 के बीच में आप लोग का लंच होगा और उसमें आप लोग को लंच में जाके जिसका हॉस्टल, अपना हॉस्टल में खा पी के आराम करेगा और बाकी जो जो लोग ने हॉस्टल नहीं लिया है वो अपने वहीं पे पढ़ें या टिफिन लंच लाए हैं तो लंच कर लें। आप लोग का 1 से 2 पूरा लंच रहता है। उसके बाद हम लोग लंच करने के बाद अपने हॉस्टल में आएंगे, हॉस्टल में आराम करके फिर जाएंगे। दो से चार हम लोग का प्रैक्टिकल का क्लास है और उसमें 2 से 4 में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल रही, अभी ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा है। इसमें थोड़ा आप लोग को मैनर कैसे करना है, पढ़ाई करना है, इस सब के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग का 12 से 15 तक कल्चरल प्रोग्राम है। कल्चरल प्रोग्राम के बाद हम लोग का लगातार कंटिन्यू स्टडी चालू हो जाएगा। लेकिन अब अभी कोई कंटिन्यू स्टडी का नहीं है, अभी नॉर्मल स्टडी चल रहा है। उसके बाद तो लगातार हम लोग का क्लास चलेगा। हम लोग अब यहाँ पर लास्ट में हम आ चुके हैं पूरे क्लास करने के बाद। क्लास करने के बाद तो भाई मूड एकदम ख़राब हो जाता है, लगातार इतना लंबा क्लास कौन करेगा जो 1-2 क्लास किया है। लेकिन अब करना है, अगर डॉक्टर बनना है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।